खिलाफ जो आदिवासी समुदाय जहाँ जहाँ लड़ रहे थे वहाँ पर उनकी एक खास उनका योगदान है। सरगुजा से लेकर रायगढ़ और बस्तर के केसेस उन्होंने लड़े हैं, जो कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा जमीन छीनी जा रही है। पेशा और जशपुर भी शायद कोई डिस्ट्रिक्ट बचा हो, विस्थापन के मुद्दे पे शायद ही कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी लड़ाई हो जिसको विधिक सहायता सुधा जी ने नहीं दी हो। कई केसेस में उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी के खिलाफ स्टे तक लोगों को दिलवाया है। कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो बंद हुए हैं क्योंकि उन्होंने उनकी विधिक लड़ाई हाईकोर्ट से एसडीएम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है। चाहे सरगुजा हल्के बदलने का मामला हो, एफआरए का ठीक से क्रियान्वयन की बात हो, जिंदल के खिलाफ रायगढ़ में कई लोगों को जो उनकी मर्जी के खिलाफ जो जमीनें ली जा रही थी उसमें विदाउट कॉन्सेंट जमीन नहीं ली जा सकती उसमें लोगों को स्टे दिलाया है। हम लोगों ने कई केसेस ऐसे लड़े जिसमें पर्यावरण के केसेस में चाहे उनमें वो खुद ना लड़ा हो पर उस केसेस में उन्होंने हम सबको विधिक सहायता दी है, गाइडेंस दी है। तो कहीं पर जैसे गच्ची नदी के बारे में भी उन्होंने बताया कि महेश राउत क्या काम कर रहे थे और उन्हें किस तरह से दर्शाया जा रहा है, जहां पर आप एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक एक संविधानिक लड़ाई हो और संविधान का पालन होना चाहिए जब आप इस बात के खिलाफ इस बात के लिए लड़ रहे हो वहां पर किसी तरीके से आपको गैर संविधानिक घोषित करने की बात है। छत्तीसगढ़ में ये हम लोग सब जानते हैं और एक बार क्योंकि अभी हमारे साथी हल्के वाले से और रायगढ़ की जो लड़ाई है उससे नहीं आ पाए हैं वो देर से आएंगे, उनकी तरफ से मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि जब सुधा जी की गिरफ्तारी हुई थी तब सबने ये कहा था कि अगर ये बात बोल रहे हैं कि सुधा जी नक्सलियों की मदद करते हैं तो फिर ये बात बहुत क्लियर है कि सरकार आम आदिवासी को, आम इंसान को, लड़ने वाले हर किसान को नक्सली समझती है क्योंकि वो किसकी मदद कर रही थी ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि वो हमारी लड़ाइयां लड़ रही थी। तो ये जो प्रहार है ये सुधा जी के ऊपर नहीं है, ये प्रहार लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये जनतांत्रिक लड़ाइयों के ऊपर है और ये कॉर्पोरेट घरानों को जो नुकसान हो रहा है इन लड़ाइयों से, जो वो खुली तरीके से जो सरकारों की लूट है उसमें जो उनको रोड ब्लॉक पैदा हो रहे हैं उसको हटाने के लिए ये अरेस्टिंग है और इससे भय का माहौल करने का। पर आज इतने सारे लोग यहाँ पर होना और लगातार जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए छत्तीसगढ़ में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, सब जगह चल रहे हैं, जो ग्राम सभाओं में 300 ग्राम सभाओं में जो महेश राउत के लिए जो प्रस्ताव पारित किए हैं उन सबसे मुझे लगता है कि ये भय के माहौल को तोड़ता ही है और ये बात को साबित करता है कि जमीनी लड़ाइयाँ चलती रही थी और चली थी और बल्कि जब उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा तो और आगे बढ़ती वो लड़ाइयाँ चलेंगी। इस देश में कोई जिला होगा जहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं चल रही, जहाँ लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए खड़े हैं और उनसे छीनने के लिए सरकार और कॉर्पोरेट की ताकतें खड़ी हैं। इन सब आंदोलनों में कई आंदोलनों में आपसी समन्वय है लेकिन शायद वो समन्वय को और आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। आज हम इस दौर में जब हैं ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के आने से ही हम पर दमन शुरू हुआ है, हम पर दमन बहुत पहले से चल रहा है। सामंती दमन कई सदियों से चल रहा है और पूंजीवादी दमन पिछले 100 साल से तो चल ही रहा है देश में। और ये देश कब आजाद हुआ हमारे अधिकांश लोगों को पता ही नहीं चला कि आगाह हुआ है कि नहीं हुआ है।
कॉर्पोरेट पूंजी का काम कर रहा है, कॉर्पोरेट पूंजी मनुवाद को बढ़ावा दे रहा है और सरकारी तंत्र दोनों के सेवा में उपस्थित है। और ये जब हमला अभी पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से बढ़ता हुआ हम सब लोग देख रहे हैं, इस समय हम सबको ज्यादा अपनी ताकत का इजाफा भी करना है और हम आपसी समन्वय को भी ज्यादा मजबूत जब करना है। शायद इसी मीटिंग के आखिरी सत्र में इसकी प्लानिंग भी होगी, लेकिन अभी सिर्फ मेरा निवेदन इसी का है, इतना ही है कि जब दलित और आदिवासी अपनी अस्मिता के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, जब मजदूर ठेका व्यवस्था हर प्रकार के असुरक्षा के खिलाफ लड़ रहा है, जब जल जंगल जमीन को बचाने के लिए गांव के लोग लड़ रहे हैं, जब निजीकरण इतनी बड़े पैमाने पर इतनी तेजी से हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, स्वास्थ्य का निजीकरण हो रहा है, सभी सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण हो रहा है और उन सेवाओं को देने वाले कर्मचारी भी लड़ रहे हैं और उन कर्मचारियों के साथ उन सेवाओं के निजीकरण को रोकने के लिए पब्लिक को भी खड़ा होना चाहिए और कई जगह हो भी रहे हैं। ये सब लड़ाइयां, हम ये सब संघर्ष जो जनतंत्र के लिए संघर्ष है, मतलब आजादी, एक आजाद देश के लिए संघर्ष है, हम सब कैसे एक हो सकते हैं? जो किसान जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं वो कैसे मनुवाद के खिलाफ लड़ाई संघर्षों में अपना भूमिका बना सकते हैं? मनुवाद के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो किसान और मजदूरों के जल जंगल जमीन की लड़ाई, वाजिब भाव की लड़ाई, गांव में रहने का, इज्जत से जीने के हक की लड़ाई में अपनी भूमिका कैसे बना सकते हैं? मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन के साथ, किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? ठेका व्यवस्था, ठेका मजदूरी, छटनी, निजीकरण के खिलाफ हम सभी लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जल जंगल जमीन के कार्य के लड़ाइयों में कैसे शरीक हो सकती है? शिक्षक और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हम सब, तो ये सब तमाम लड़ाइयों को हम एक मुठ में एकजुट हम कैसे हो सकते हैं, ये हमारी चुनौती है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मोदी सरकार को कि वो सब पर इकट्ठे हमला करके हम सबको इकट्ठे तो बांध रहे हैं। आज लेखकों को नहीं छोड़ रहे हैं, वकीलों को नहीं छोड़ रहे हैं, जगह जगह शिक्षकों का लाठीचार्ज होता है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है उन लोगों को कहने के लिए, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि तुम गरीब हो क्योंकि तुम अशिक्षित हो। नर्सों पर लाठीचार्ज हो रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज हो रहा है, किसान मजदूर को सदियों से माना ही गया है कि वो लाभ खाने के लिए ही है, पर लोग मार इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि वो लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई, ये संघर्ष हर जगह ज्यादा तीखा हो रहा है। बस हमारे सामने ये चुनौती ये है कि इन सब संघर्षों का हम समन्वय कैसे करें, एक दूसरे को ताकत कैसे दे, एक संघर्ष दूसरे संघर्ष को ताकत कैसे दे। और ये चुनौती जो है, इस चुनौती को एक मौके के रूप में देखें, जैसे लिंगराज भाई ने भी कहा।
नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।